Nutrition doesn't mean कि आपको ये और किनुआ खाना है न्यूट्रिशन मीन्स कि आपको अच्छे से खाना है वक्त पे खाना है और मन मार के नहीं खाना है एक टाइम के बाद मैं एक ही <laughs> हाँ, हाँ. तो एक, एक दिन खाती हूँ हाँ. फिर दूसरे दिन मेरा कड़ी पकौड़ा छोटा हो जाता है मैं तो जिम में जाती हूँ वो स्टाइल मारने के बाद

Powered by RightBite Max Protein, a company that brings health and nutrition to your doorstep. Oraj, like always, we will be delving into the world of health and fitness with two stellar personalities who have not only conquered their fields but also served as beacons of inspiration for others on their wellness journey. First up is Sanmati Pandey, a visionary entrepreneur, co founder of Fitter, a chartered accountant with an mba from cornell university no less he is widely recognized for his appearance on shark tank india where he successfully secured a deal that propelled Grow Fitter into the limelight his commitment to making fitness rewarding and accessible to everyone has inspired many to start their wellness journey very second guest kambare me ki archana gautam naam hi <laughs> She is known for her vibrant roles in films like Great Grand Masti, Hasina Parker, Bharat Company, etc, etc. But her most memorable appearance was on the reality show Big Boss 16. And of course, Turanba after that, Season 13 with She's an actress, she's a model, she's an advocate for healthy living. Archana brings a new, fresh, her own perspective on staying fit and well in this fast-paced world of entertainment. बहुत-बहुत so बहुत हमारे बहुत गेस्ट के एक-एक सैम और मेरी अर्चना। yes. खुशी हुई तुम्हें देखे. कुछ शुरू करें उससे पहले, अर्चना huh. तुम्हारी चाय कैसी बन रही है आजकल <laughs> रोहित शेट्टी का पेट ठीक है कि नहीं आजकल मुझे लगता है कि उनका पेट भी ठीक है और आवाज भी ठीक आवाज बेटर हो गई yes, है very good, very good. बहुत सारी हैं आपके साथ हेल्थ फिटनेस न्यूट्रिशन मेंटल हेल्थ के बारे में Uh, सरमती आपके साथ शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कब सोचा कि हेल्थ और फिटनेस की दुनिया में जाना है और आपने ऐसा क्यों सोचा कि वी हैव टू टेक फिटनेस टू पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी वर्किंग इन सिंगापुर मेरा एक अच्छा जॉब था इंजीनियरिंग कॉपरेट फैन और बट यू नो यू नो इट्स लाइक द गोल्डन हैंड का अफसर यू नो आप जॉब में रहते हो बट यू डोंट रियली नो वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड आई वॉज ऑलवेज अ फिटनेस फ्री अनलाइक चार्टर्ड चार्ट और प्रॉब्लम थी जो मेरे दोस्त थे वो बहुत अनफिट थे अच्छा। तो मैं बॉम्बे आया था एंड यू uh, मेरे फ्रेंड को एक्चुअली एट अ वेरी अर्ली एज वॉज डायग्नोस विद प्री डायबिटीज और इट वॉज लाइक अ शॉक टू अस तो हमने सब ने पहले जिम्स ढूंढना चालू किया यार कौन सा जिम जाए क्या डाइट फॉलो करें एंड वी फाउंड दैट डेटा ऑन द इंटरनेट बहुत था एंड द प्रॉब्लम इज स्पेशली इन इंडिया हमें एक मोटिवेशन चाहिए तो जब तक आपको कोई मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि रोहित आई के और आप डेली दस हजार स्टेप भागो तो आप <laughs> सब छोड़ के भागोगे सो दैट्स द इंडियन तो हमने सोचा कि में नहीं मुझे लगता है ग्लोबली सब जगह ग्लोबली लोगों को एडुकेट करना बहुत जरूरी है हेल्थ और फिटनेस के बारे में एब्सोल्युटली और हमारा ये था कि हम लोगों को मोटिवेट करें okay. तो हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे ब्रांड से बात की okay. और जो एंड नाउ यू नो देर बिग ब्रांड्स नाउ यू नो राइट बाइट इज आल्सो अ बिग ब्रांड दे आर आल्सो ब्रांडो पार्टनर्स तो हमने उनको बोला कि वाई फ्री सैम्पलिंग और हमारे पास ये डेडिकेटेड एक हेल्थ एंड वेलनेस ऑडियंस है right. हम इनको यू नो वॉक कर मतलब हम गेमीफाई करेंगे क्योंकि यू नो हेल्थ को जैसे यू नो यू टोल्ड मी कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और हेल्थ इज वेरी सिंपल तो हमने लोगों को बोला कि यार वॉक रन साइकिल करो आपको यू नो आई फोन मिलेगा आपको टी शर्ट मिलेगा आपको पहुंचना पड़ता है लोगों बस, exactly. तो लोग मिलेगा तो hmm. <laughs> मुझे याद है मैं था एंड ग्रोफेड रैप डाउन तो आपका जो इनिशियल था ग्रोफिट शुरू करने का वो एक दोस्त के डायबिटिक सिचुएशन से कंडीशन से आया था एंड रोहित अभी you know, that's the scenario everywhere. आप देखो यंग you know, uh, you know, एज में exactly. young age में आ जाता है बहुत सरप्राइजिंग लगता है लेकिन आ, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं आपसे शार्क टैंक के बारे में भी बात करना आ, जरूरी है फिलहाल हमारे साथ जो एक बहुत ही सुंदर महिला बैठी है उससे सवाल ना करेंगे तो कैसे चलेगा शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा खतरों के खिलाड़ी थर्टीन जो मेरा पहला रियलिटी शो था उसमें ये भी विराजमान थे और आज ये शो पे इनको बुलाने का मेरा मकसद ये था कि चौदह तेरह चौदह कंटेस्टेंट्स थे उसमें से दस लोग मी इंक्लूडेड या तो स्टंट से पहले या शूटिंग के बाद सीधा जिम जाते थे और वर्कआउट करते थे और कोई प्रोटीन शेक भी रहा था और कोई ये कर रहा था मैंने मैडम को एक भी दिन जिम में नहीं देखा लेकिन शी वॉज वन ऑफ द टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स ऑन द शो एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू तुमसे ये सवाल है कि तुम्हारा मंत्रा क्या है फिटनेस का तुम कैसे अपने आप को फिट रखती हो तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो कितना भी मुश्किल स्टंट होता था तुम कर लेती थी और इतनी व्यस्त जिंदगी में तुम मॉडलिंग करती हो एक्टिंग करती हो एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हो कैसे अपने आप को फिट रखती हो न्यूट्रिशन खाना वर्कआउट क्या करती क्या हो तुम एक्चुअली सच बताओ देखो मैं ना देसी चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ और बचपन से जो मेरा रहन सहन रहा है वो लाइक दूध मट्ठा और जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कभी जैसे स्ट्रॉन्ग में पहले तो जिम होते नहीं थे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता था तो सिलेंडर उठा उठा के कैंटीन पर डिलीवरी रखती थी वो सोता ना जो मैं खाना खाती है उसको मिलाती थी तो मतलब सानी मतलब जो चारा होता है गाय का आ, वो काटती थी तो और उस पर ऊपर उठा के लेके जाती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसे स्ट्रांग बट क्या होता है कि जब आप बन जाते तो थोड़ा शोषा भी करना पड़ता है आ, कि जिम जाना और डाइट फॉलो करना शोशा होता है तो एक्चुअली मैं सच बताऊं लोग मुझे बोलते हैं कि डाइट फॉलो करो बट एक टाइम के बाद मैं कोशिश करती हूं कि मैं एक वो होता है ना छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसको नुआ <laughs> छोटा होता है वो किनुआ होता है हाँ, हाँ, तो मैं सोचती तो की खिचड़ी खाने की कोशिश करती हूँ बट एक एक ही दिन खाती हूँ हाँ, फिर दूसरे दिन मेरा कड़ी पकोड़ा शुरू हो जाता है।, <laughs> है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा जो आपने डिस्क्राइब किया है <laughs> वो सैम भी मुझे हाँ, सेकंड करेंगे इसे एक तरीके से फंक्शनल ट्रेनिंग कहते हैं राइट रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप जो कार्य करते हैं अगर वो आप जिम में करें उसे फंक्शनल ट्रेनिंग कहते हैं तो आजकल फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं लेकिन आप जो उठा के चलती थी जो वेट्स निकालती थी दैट्स ऑल फंक्शनल ट्रेनिंग तो आपकी जो फाउंडेशन है इसी वजह से मुझे लगता है 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 कि आई शी इंटरनली इंटरनली स्ट्रांग बहुत बहुत फिट फिट हाँ। जिम की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं हां और मैंने जो पाया मैंने इनकी छवि पहले जो पहली छवि मैंने देखी थी वो बिग बॉस पे देखी थी और मैं शायद तुम्हें कहा भी था कि तुम जो बिग बॉस पे नजर आई हो तुम बिल्कुल विपरीत है बहुत मिलल सारे हमेशा हस्ती खेलती रहती है लोगों के साथ बात करती रहती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर मी अर्चना ये शो आ, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं जी मेंटल फिटनेस के बारे में और मुझे लगता है कि अगर आप खुश हैं ना एक अंदर से ऊर्जा पैदा होती है जो आप में जी। तो तो आप Actually, वो वो लड़ाई नहीं करती थी ना ना <laughs> 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 तो बाहर ही निकल जाती तो इसलिए थोड़ा वो फाइट करना पड़ा करेक्ट है वो जो परिस्थिति होती है करनी right. है करनी पड़ती फॉर्मेट ऑफ़ सैम बि रिसर्च ऑन यू ऑन ग्रो फिट नाउ लाइक यू said earlier, there's a अ of ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और लॉन्ड ऑफ स्प्योरियस इंफॉर्मेशन ऑन द नेट आप कोई भी ऐप खोल दें कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए चाहे वो एक्स हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो यूट्यूब हो इतना सारा इंफॉर्मेशन है जो जो हमारी जो यंग जनता है यंग ब्रिगेड है जेन एन जी है वो लोग हमेशा इसी ऐप पर देखते हैं या यूट्यूब पर कोई एक्साइज देखते हैं और हर अलग अलग इंसान अलग अलग वर्कआउट देता है आप लोगों को ग्रो फिटर के थ्रू एडुकेट कर रहे हैं फिटनेस के बारे में तो आपका क्या मानना है हाउ डज वन रियली फॉलो अ ग्रो फिटर यू इंटेंड टू डू टू अ वेरी वैलिड क्वेश्चन रोहित एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है hmm. कि यू you नो know, हम क्या ना हर एक चीज में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि हर एक चीज में कितना कैलरीज है क्या है बट लाइफ इज वेरी सिंपल आपको सिर्फ एक हाई प्रोटीन डाइट रखना है लाइफ में आ, uh, क्योंकि यू नो प्रोटीन आपके मसल्स बनाता है uh, uh, तो एक सिंपल फार्मूला है वो मुझे लगता है कि यू नो आई मीन डेफिनेटली यू मस्ट बी फॉलोइंग इट बट जो आपका वेट है सो वन के जी इज इक्वल टू वन ग्राम ऑफ प्रोटीन तो इफ आई एम वन के जी इज इक्वल टू वन ग्राम प्रोटीन तो अगर मैं अस्सी किलो किलो तो आपको डेली एटी ग्राम ऑफ प्रोटीन बस इज नाइट दैट्स इट अच्छा तो मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा है कि 120 तो कम से कम चाहिए आप सो इफ़ यू आर एन एथलीट अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं नॉर्मल पर्सन के लिए एक ग्राम एक के के लिए काफ़ी है बट आप अगर एक एथलीट हो तो यू नो 1.5 पॉइंट फाइव टू टू ग्राम सो अगर okay. वो हम एक सिंपल यू नो फॉलो करें और उससे डबल हम एक नो लेंेशन so, you know, के हम लोग बात करने वाले हैं yes. अगले सेगमेंट में लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रो फिटर uh, वर्कआउट रूटीन्स के बारे में क्या कहता है क्योंकि वही उसमें भी बहुत सारे साइंस है मुझे तो लगता है कि आप बेंच प्रेस करो तो उससे बेटर कंपाउंड एक्सरसाइज हो नहीं सकता है चेस के right. लिए साढ़े सत्रह वेरिएशन है आपने कभी फॉलो की <laughs> कभी भी नहीं ना नहीं मैं तो जिम में जाती हूँ

और आप अगर पांच दिन करते हो सात दिन में से तो आपको टी शर्ट फ्री मिलेगा अब अच्छा। दिन दिन में से तो तो आप बेसिकली आपको पे वो इसे, कर इसे, तो हमको मालूम है कि को को चाहिए हाँ। नहीं, हर को चाहिए हर किसी नहीं जैसे हम बचपन में अगर कोई अच्छा एग्जाम दे के आते थे तो मां चॉकलेट देती थी और उससे हमको एक प्रोत्साहन मिलता था और बेटर परफॉर्म करने के लिए एब्सोल्युटली वो ही हमारा ऐप करता है और इनफैक्ट अब हमने बड़े रिवॉर्ड कर दिए बिकॉज लोगों का एक इंस्पिरेशनल एसपीरेशनल uh, रिज है तो अभी नाव आर गिविंग अगर आप तीन सौ दिन चलते हो साल में तो आपको मिलते है, आप, एक माइक्रोवेवरेशन और ब्रांड्स you know, एक्चुअली अभी ऑलमोस्ट दो मिलियन एप डाउनलोड हो गए नोप ब्रांड्स एक्चुअली वॉन्ट नो दिस Uh, तब आपको लगा था कि आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे कि आप ऐसे ही कोशिश करने आए थे नहीं क्या तो लगा हमारा तो सीजन वन था एंड यू नो पर ऑल द रियलिटी शोज टू ऑनेस्ट एस तब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि दुण क्या दुण चल रहा है इनफैक्ट तीन दिन जो हमको फिल्म सिटी में बुलाया था फॉर आस इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस तो किसी को कोई आइडिया नहीं है सब बोल रहे हैं, आप आपको जो करना है बस एंड द बेस्ट पार्ट इज उसमें कोई रिटेक नहीं था बट आर ऑनस्ट अबाउट सो वी वी हैव टू कनेक्ट द ऑडियंस एंड हमारा एक यू नो कंज्यूमर फेसिंग ऐप था तो हम अंदर गए टू बी ऑनेस्ट इतनी लाइट्स थी कि मुझे आगे पूरा पुरानते और मैंने दो तीन बार यू <laughs> नो नाम भी गलत लिए थे बिकॉज इट द फर्स्ट लोगों को लगता है कि कैमरे के सामने आना बहुत आसान होता है लेकिन हर किसी टू बोथ ऑफ यू मतलब लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत ईजी है बट यू नो इट्स नॉट दैट इजी और मैं बार बार सोच रहा था मेरे डायलॉग ना भूलो ना ओनली वन चांस डायलॉग से याद है अर्चना जी आप तो, आपको आपको डायलॉग दिया जाए या ना दिया जाए आप डायलॉग के साथ हमेशा तैयार रहती थी ये जो मनोस्थिति है आपकी ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है और जो सेंस ऑफ विट है ये कहां से आता है आपको लगता है बचपन बचपन से नहीं? हां से ऐसे नहीं मैं मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आ, आप आ, किसी भी माँ बाप को ना बच्चे को बचपन से ही मतलब उसको उस ढंग से लाइक चलाना चाहिए या उस ढंग से उसको एक्टिव करना चाहिए कि उसको ना बड़े होने के बाद ना कोई तकलीफे ना उठे तो मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब हर चीज में एक्टिव रखा चाहे वो कुर्सी दौड़ हो चाहे वो चम्मच दौड़ हो चाहे वो घर का काम हो चाहे घर में पूरे घर में पोछा लगाना झाड़ू लगाना जीज़ी। तो मैंने वो सब चीज़ें की हैं तो हम लोगों का आ, क्या कहते हैं जो माइंड था वो बचपन से ही पूरा शार्प रहता है कि हाँ कोई डिसीजन लिया या चीज़ें गलती होती हैं हर इंसान से होती है बट मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है फिर चाहे आप जिम में रह करें चाहे वो आप अपने घर में भी करें ऐसा नहीं है आपने देखा होगा Uh, सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं वो शहर के लोगों को क्यों आते हैं क्यों आते हैं बहुत-बहुत बात बहुत बात। है। बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ उनका खान पान और जो देसी लोग होते हैं उनको आपने देखा है मेरे दादा लाइक uh, like, दादा मतलब दूर के दादा हैं 110 साल 95 इयर्स बिकॉज ऑफ क्यों और

सब ज्ञानी हूँ और सब जानता हूँ फिट हूँ फिट रहता हूँ लेकिन मैं भी कभी कभी आई फॉल प्रे टू अरे यार ये नया फैट है ये और वीगन बन जाता हूँ ये बिना जाने कि मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ कि नहीं ये सर आप कभी किसी ट्रेंड को फॉलो करती हैं हैव यू फॉलन प्रे टू अच्छा आज ये ट्राई करके देखना चाहिए नहीं मुझे तो सच बताऊं मुझे तो बिग बॉस में ही पता चला ये वीगन बीमारी है <laughs>

आपको डेफिनेटली वो फॉलो करना पड़ता है क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी का बिल्डिंग मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है ओके okay. अभी फिलहाल आप ठीक है अभी mm -hmm. फिलहाल आपको ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपका फाउंडेशन आपको ये ग्राम ग्राम है पच्चीस तीस मैं तो हूँ <laughs> <laughs> मैं तो चा... चा... अच्छा मेरा ये मानना है आप भी, खा <laughs> <laughs> मैं, मैं भी खाता हूं मैं ये भी खाता हूं वो भी खाता हूं लेकिन मेरा मानना है कि जो कहा मैं दो चीजें हमेशा करता हूँ मैं न्यूट्रिशन को रॉकेट साइंस से बना डाइट का मतलब होता है डाइट करने का मतलब ये नहीं कि खाना मत खाइए अच्छा खाना खाइए मैं सुबह से शाम तक आठ घंटे में इंटरमीडियट फास्टिंग में हर जो चीज़ मेरे बॉडी को हर खुराक जो जरूरी है वो खाता हूँ सुबह को म्यूजली खा लेता हूँ या पोहा खा लेता हूँ दही खा लेता कभी वड़ा पाव खाया अभी बिल्कुल वड़ा पाव <laughs> खाता हूँ मैं भी परसों दिल्ली पुणे गया था ड्राइव करके एक जन्मदिन में wow. और मैंने वहाँ पे वो हर खाना खाया वो एक दिन एक मील में वो हर खाना खाया जो मुझे मेरे आंग को लगे दिल को खुशी हो क्योंकि जो मन मार के जीता है वो कभी खुश नहीं रहता है तो फिर फिटनेस का मतलब नहीं है right. और मैं रूटीन अपना बहुत सिंपल रखता हूं जैसे मैंने कहा और मैं uh, सिर्फ फिट दिखता नहीं हूं मैं बहुत फिट हूं और मुझे इस बात का बहुत आई हैव ग्रेट प्राइड इन सेइंग दैट एट माय एज आई एम 55 आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द वे आई एम द वे आई लुक एंड द वे दैट्स व्हाई द शो इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल रुकना नहीं है ये जर्नी है ना हम लोग की और आपको आगे चल के अभी अभी तो कम से कम पच्चीस तीस चालीस साल एक्टिंग करनी है अभी तो आपने शुरू किया है तो मुझे लगता है कि जो लॉन्जिविटी है वो चीजों जैसे मुझे लोग जब एक्टिंग के बारे में पूछते हैं मैं बोलता है यार एक्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपनी लाइनें पढ़ो भाव को hmm. समझो और परफॉर्म करो कैमरे के सामने ये भी वैसा ही है routine, uh, question, wow. so आप वो, वैसा होता तो फिर लेके बैठा होता मैं मैं उतनी मेहनत करता हूं जितनी मुझे जरूरत है उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि लेकिन अब आप, आपने जब जिक्र किया है तो एक और चीज मैं आप तीनों के साथ दोनों के साथ मी इंक्लूडेड जरूर डिस्कस करूंगा लाइफ स्टाइल चेंजेस यू आर ट्वेंटी टू यू वॉज बी थर्टी टू आई एम फोर्टी टू एज लाइफस्टाइल चेंजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एल अगेन लिल बिट फ्रॉम आई एक्सपीरियंस अल से जब से uh, मैंने uh, नींबू पानी uh, और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं करीब डेढ़ साल हो गया मैंने अपनी लाइफ में 360 परसेंट चेंज देखा है पूरा मतलब पलट गया है सुबह उठता हूँ फ्रेश रहता हूँ दिन भर एक या नहीं करता हूँ आई एम एनर्जेटिक आई एम एक्टिव वट आर योर थाट्स ऑन पीपल वेन दे चेंज डेके टू डेके थर्टी फोर्टी फिफ्टी लाइफ स्टाइल चेंज इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नहीं रोहित ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वन यू आर यंग आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो है तो आप कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो यू नो यू के बॉडी कैन डाइजेस्ट बट आफ्टर अ सर्टन एज मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड देन hmm. मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक, एक जेनरिक यू नो कैलरी काउंटिंग होनी चाहिए जैसे hmm. मैंने आपको बोला एक प्रोटीन हो गया एंड यू शुड नो किट एक एज के बाद मुझे पता रहता है कि मेरी बॉडी को क्या कनेक्ट करता है इनफेक्ट uh, मैंने वो मीच में एक सी जी एम भी लगाया था सीजीएम क्या है सो हा बेसिकली यू नो इट्स लाइक अ ग्लूकोमीटर वो आप आपके अल्ट्रा uh, you know, आप यूमन इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट मुझे देखना था तो उसमें वो actually आपको बताता है की यू नो आपके कौन से खाने से आपका ग्लूकोज पाइक होता है एग्जैक्टली तो, exactly, तो ऐसे बहुत सारे फूड्स तो लोग बोलते हैं कि काब्ज नहीं खाना चाहिए ब्रेड नहीं खाना चाहिए लेकिन सबकी तो उसमें जब मैंने चेक किया तो मेरा स्पाइक नहीं हो रहा था इनफैक्ट उसमें अभी नए वेरिएशन है अगर आप सैलेड के साथ आइसक्रीम खाते हो तो ग्रो फिल्टर तो, में वो भी देते हैं हमने मैं तीन सौ दिन चलता हूँ तो वो हमने पार्टनर किया है हमारे ब्रांड्स के साथ और हम देते हैं मतलब करते हैं एब्सोल्युटली सर कोई क्विक फिक्स है मेटाबॉलिजम uh, को चेंज करने के लिए ऐसा कुछ क्विक फिक्स तो मेरे ख्याल से वही है कि आपको मतलब क्विक फिक्स था ऐसा कुछ नहीं <laughs> मुझे तो नहीं पता है कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ हाँ. लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए और चीट मील्स भी इंपॉर्टेंट है जी. नहीं तो और अभी आजकल तो इतने नए सारे प्रोडक्ट्स आ गए मैं देख रहा था अभी एक नया प्रोडक्ट आया इट्स कॉल्ड आई मीन इनके साथ मजा आएगा शीरा टाकी नूडल्स बोलते हैं उसको और वो सिर्फ नौ कैलरी है उसमें तो मैंने एक, एक, एक रील बना नौ जिस नौ और वो टेस्ट करता है एकदम नूडल्स जैसा एंड okay. it? तो व्हाट तो, uh, <laughs> बार बोल के बता शीरा टाकी शीरा मतलब <laughs> हमारे यहाँ पे शीरा उसको बोलते हैं जो गन्ने में बनता है ना शीरा शीरा मतलब सिरका शीरा टाइप का मीठा मीठा एग्जैक्टली exactly. तो ये नूडल्स या मतलब, ये हाँ, मतलब अभी अभी मिल रहा है तो मैंने भी खुद ट्राई किए एंड मैं इतना खुश हो गया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आई एम अनसर्टनली मेरे से नहीं होती इंटरमीडियन फास्टिंग और रात में मुझे दो बजे भूख लग जाती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं जो और चीज़ एग्जैक्टली मुझे बहुत भूख लगती है रात को तो बट एक्चुअली मुझे भी थोड़ा कैलरी कॉन्शियस रहना पड़ता है तो जब मैंने मैं फूड देख रहा था जिसमें कैलरी थोड़ी कम हो और ये फूड वॉज लाइक अ सुपर फूड ओके तो यू नो मैं रात को उसको थोड़े नूडल जैसा मैगी नूडल जैसा क्योंकि मैगी में चार सौ कैलरी है वो तो मतलब एग्जैक्टली सो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू आई थिंक यू नो ग्रो एट अ सर्टेन एज अगर आप थोड़े सब्सटीटूट्स कर सकते हो जैसे यू नो किनोआ भी अगर ट्राई <laughs> पर मेरे ख्याल से इंडियन नुस्खे बेटर है मेरा ये मानना है न्यूट्रिशन के बारे में कि जो आपके आसपास उगता है जो आपके आसपास अवेलेबल होता है

Uh, तो कुछ खा रहे थे कि नो नो आई खान बिकॉज इसमें शुगर है शुग, इतना नहीं थोड़ा है थोड़ा ही कह नहीं थोड़ा ही तो मैं उनको देखते रह गए कि मतलब शुगर नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, 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 <laughs> नहीं मैं तो आप बड़ी है वो आ, नहीं नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग अपने मतलब हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस हैं कि हम लोगों को फिट रहना है तो शुगर नहीं खाना है तो और मैं तो मतलब गुड़ हो गया रसगुल्ला हो गया गुलाब जामुन हो गया दे दे। चीनी ऐसे भरती हूँ और ऐसे खा तो जब मीठा नहीं होता तो मतलब कभी भी मैंने ये चीजें नहीं की कि यार मेरा बर्गर भी दिलाया हुआ है मुझे नहीं खाना है मतलब मैंने खाया है मतलब मैं क्या करती हूँ मैं सब खाती हूँ मतलब एक ही जिंदगी मिली है अब उसमें भी हम लोग मन मारे यार नहीं चॉकलेट का मन कर रहा है वैसे तो मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है ना आइसक्रीम पसंद है गुलाब जामुन पसंद है वो भी काले वाला तो वो पसंद है बस मैं उसकी फेवरेट हूँ

प्रूव कर दिया है यूएस में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं आपकी बात बहुत सही है मैं आपको एक चीज़ ज़रूर क्योंकि आप मेरे शो पे आए हैं और मेरा ये आपका बताना बहुत ज़रूरी बनता है कभी कभी क्या होता है कि शुगर स्पाइक होता है है ना और जिस स्टेज पे आप हैं जिस किस्म का मेटाबॉलिज्म आपका आज है आप वो सब पचा लेती है हजम कर लेती है लेकिन बहुत लोग जब मेरे को मुझे मैं कहीं भी शुगर लेता हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है कि यार आज गड़बड़ है मतलब पेट, में, पेट में, हाँ, दिमाग में, दिमाग में भी क्योंकि पेट में होता है तो दिमाग में एक नान खा लिया नान बनता है मैदे का कई लोग होते हैं जो बटर चिकन नान ऐसे दबा जाते हैं है, कुछ हुआ I agree. मुझे ब्लोटिंग होती है मुझे एसिडिटी होती है मुझे गैस होता है तो बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि आप वो शुगर को हजम कर सकती है नहीं भैंस का ताजा दूध भी <laughs> आप नहीं शायद मिलता है जो से पूछना चाहता हूँ वो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कहां से आती है और आप बिना जिम जाए ये बहुत जरूरी है लोगों का जानना कि आज बचपन में आपने किया वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया आज आ, आप इतनी सारी चीजें कर रही हैं लेकिन मेंटली और फिजिकली बहुत फिट लगती है मुझे

लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है, हाँ, है, है, हाँ। है। लोग तो 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 लोगों को गलत फहमी हो जाएगी आपको देखिए बाकी लोग भी रील बनाना चालू कर देंगे आपको क्या लगता है आपके नजरिए में अगर आप वो चीजें नहीं कर रही हो फिर भी इतनी फिट है जो लोगों को दिख रहा है और आपकी स्ट्रेंथ देख चुके हैं लोग खतरों के खिलाड़ी में तो क्या लगता है आपको कहाँ से आती है इसमें मे भी शायद मम्मी पापा से अब जो ये जेनेटिक भी हो सकता है और मैंने जैसे बोला बचपन का खान पीन भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम क्या करते मैं दूध निकालती थी तो दूध निकालते निकालते ही मैं एक गिलास तो वही कच्चा मतलब आपको पता भैंस का दूध इतना ज्यादा हार्ड होता है कि नॉर्मल इंसान उसको पी नहीं पाएगा मुंबई वाला जो मतलब जिसने दूध की थैली पी है वो बट मैं हम लोग पड़े बड़े उसी में हुए तो ऐसे ऐसे करके मैं मतलब एक गिलास ऐसी चढ़ा लेती थी okay. मट्ठा ऐसी चढ़ा लेती थी गुड़ ऐसी चढ़ा लेती थी तो रियल uh, फ्रूट्स होते थे रियल वो होते थे तो uh, नहीं होते हैं हैं उसमें उतना वो जो, भी गत, में जो गट की बात कर रहे आई थिंक इन्होंने बचपन से यू नो शी हैज अ वेरी स्ट्रांग गट

ये खाती हूँ रात की सब्जी भी तो खत्म करनी पड़ेगी अब <laughs> मैं आपको एक बात यहां पे जरूर बताऊंगा कि अर्चना ने जो बड़ी हंसते खेलते आसानी से ये बातें कही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मायने रखती हैं इनका मिजाज ही कुछ ऐसा है कि बहुत सीरियस बात हंसते खेलते कह देती है न्यूट्रिशन डजेंट मीन कि आपको ये आवो और किनुआ खाना है न्यूट्रिशन मीन्स कि आपको अच्छे से खाना है वक्त पे खाना है और मन मार के नहीं खाना है बहुत लोग मैंने देखा है सैम खाते वक्त खाते वक्त बहुत इंजॉय करते हैं जैसे ही खाना खत्म होता है देखते वक्त ओ यार मुझे नहीं खाना चाहिएगा <laughs> वो पॉइजन बन जाता है आपके exactly. बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप खाएं आज हम लोगों ने एक्चुअली वर्कआउट रूटीन से ज़्यादा बात की है न्यूट्रिशन की और मुझे बहुत खुशी है इस बात की क्योंकि अक्सर जब मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ तो लोग सिर्फ वर्कआउट के बारे में बात करते हैं वेट लिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं कार्डियो के बारे में बात करते हैं न्यूट्रिशन की बात हम बहुत कम कर पाते हैं तो हमने अर्चना के तो फंडे सुन लिए न्यूट्रिशन के बारे में और बहुत ध्यान दूंगा मैं इसके बारे में सैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक न्यूट्रिशन और वर्किंग आउट का तालमेल है आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है यस बट रोहित उसके पहले ना मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं सो आई एम अ वेजिटेरियन तो लोगों को ऐसा लगता Good है कि वेजिटेरियन फूड में ना प्रोटीन नहीं मिलता है नहीं मिलता है एंड यू नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गाइस वो बोलते हैं यार मैं अंडा खा मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ सो दैट्स अ मिथ आप वेजिटेरियन फूड्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है इनफैक्ट आप अगर वे प्रोटीन भी लेते हो दिन में दो बार तो दैट कैन टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन अगेन वो जो मिथ है कि वे प्रोटीन से मैं गंजा हो जाऊँगा you know, बहुत सारे मिथ है इनफैक्ट हम जितने लोगों को बोलते हैं मैं हम बहुत सारे लोगों को वे प्रोटीन देने जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये स्टेरॉइड्स दे रहा है या यू नो पीपल मॉक एट यू बोलते हैं यार ये तो यू you नो know, प्रोटीन वाली बॉडी है बट यू नो दिथ इज़ अ मिथ मतलब लोगों को मजा आता है अल्कोहल लेने पर सिगरेट पीने पर और जो बंदा प्रोटीन ले रहा है वो इज़ एक्चुअली यू नो बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉग फाउंडेशन ऑफ हिथ बॉडी यू नो पीपल आर मॉकिंग एट डेम तो ये एक मिथ है और वेजिटेरियन फूड में भी बहुत ज़्यादा यू नो न्यूट्रिएंट्स है इनफैक्ट ऑल द वायटामस प्रोटीन्स काब्स एवरीथिंग इज देयर एंड इवन वीगन राइट नाउ आई थिंक यू नो आई एम एनिमल लवर एंड यू नो वीगन फूड ऑल्सो इज इज़ वेरी हेल्थी तो आई वुड लव टू प्रमोट पीपल टू टर्न वेजिटेरियन बिकॉज सर्टनली इसमें बहुत बेनिफिट्स है क्योंकि

उससे आपकी बॉडी यू वेजिटेरियन नो सो मैं अपने आप को प्रेसकटेरियन कहता हूँ वाह wow. क्योंकि मैं uh, बंगाली हूँ तो फ़िश तो मेरे लिए वेजिटेरियन ही हो गया जल कहते हैं उसे तो फ़िश uh, uh, मैं ज़रूर खाता हूँ लेकिन नाइन्टी परसेंट मैं वेजिटेरियन हूँ घर पे बहुत uh, कम हम लोग अगर कहीं बाहर गए खाना खाने के लिए तो ऐसा मन करता है कि यार ये देख लिया सामन स्टेक है तो खा लेते हैं mm -hmm. लेकिन हम ऑनेस्टली नाइन्टी परसेंट वेजिटेरियन एंड आई गेट इनफ प्रोटीन ऑन द गो Uh, फिर ऐसी कंपनीज़ है राइट बाइट की तरह जो क्वालिटी वे प्रोटीन मुझे घर पे आके दे रही है तो मैं uh, दिन में एक स्कूप लेता हूँ इसका और uh, अपने साथ लेके घूमता हूँ ताकि uh, आपको तो पता है घूमते फिरते घूमते फिरते मतलब आ, आप एक्टिंग भी कर रहे हो आप होस्ट भी कर रहे हो पर कभी कभी नहीं मिलता है आई डू स्वेयर बाय ओल्ड फूड्स बट आई सप्लीमेंट माई प्रोटीन इनसे ये सवाल पूछूंगा ही नहीं आप वे प्रोटीन लेती हैं वैसे देखा मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा टेस्ट अच्छा नहीं लगता भी तो मैं आपको एक बात बताता हूँ और आप गांठ बांध लीजिए घर जाएंगे मैं आपको राइट राइटीन का एक डब्बा दूंगा आप एक स्कूप रात को लेना और मुझे फोन करके बोलना आपको टेस्ट कैसा लगा और आपको क्वालिटी ठीक है और ऑनेस्टली बोलना ठीक है अगर अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं ठीक है मैंने रियलाइज किया पिछले पीछे मैं तो कई दस पंद्रह सालों से प्रोटीन ले रहा हूँ लेकिन इनका जो एक टेस्ट है और जो मिक्स होता है जैसे फ्लेवर कौन सा बहुत सारे फ्लेवर है

अभी मुर्गा कैसे बड़ा हुआ है इंजेक्शन क्या पता उसको कैंसर हो क्या पता उसको कोई बीमारी हो तो हम तो नहीं देख रहे कि क्या है तो वो बीमारी हमारे अंदर आएगी और हमारे जो वो है ना जीने की जो जिसे वो थोड़ा कम हो जाएगी अच्छा। तो इसलिए मैंने वो चीजें छोड़ दी कि मुझे ना रिस्क नहीं लेना कि भाई कौन से जानवर में कौन सी बीमारी है वो मेरे अंदर ना आ जाए तो इसलिए मैंने वो चीजें फिर स्टॉप वजह हो जिससे आपको बेहतर मैं दो साल के लिए कम्प्लीटली वेजिटेरियन बन गया था और उसके बाद आप फिश और चावल नहीं खाते तो आप बंगाली नहीं है uh, लेकिन मुझे बहुत सारा ऐसे रिफ्लक्स होता था माई गट वॉज वेरी बैड और ऑब्वियसली आई वॉज थर्टी ईयर्स ओल्ड तो तभी फिल्म सिटी के वड़ा पाव तो ऐसे खाते थे जैसे कि बंद नहीं हो रहे सुबह से शाम तक पाँच से सात बड़ा पाव हम लोग खा लेते थे स्वाभिमान के दौरान क्योंकि सामने ही कैंटीन था mm -hmm. तो मुझे बहुत एसिड रिफ्लक्स होता था वगैरह और मैं uh, फिर रशिया गया और रशिया में सारी चीजें आपके प्लेट में खाली नॉन वेज ही दिख रहा था वेजिटेरियन के नाम पर सिर्फ ब्रेड और बटर मिलता था एंड आई सेव सिंगलोशनो स्किन पे भी दिखता है अगर आपका गट uh, वीक uh, होता है तो मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ कि वेजिटेरियनिज्म इन अ वे इज़ गुड लेकिन मैं मच्छी खाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और आपको जो अच्छा लगे आप लोग खाइए ज़रूर मैं एक चीज़ टू सम ऑफ दिस न्यूट्रिशन डिस्कशन ज़रूर कहूंगा सोच समझ के खाइए जितना खाना खाइए और अपने पेट का 75 80 परसेंट तक एक मील में खाइए उससे ज़्यादा मत खाइए और ये बात मैंने सीखी थी एक गाय करके एक किताब है जो जापनीज़ लोग क्यों सब इतने हेल्दी है, इतना स्किन उनका अच्छा इतना चाव खाते हैं इतनी अच्छी खाते हैं वो लोग आपका जो अगर 100 परसेंट पेट भर गया उसे इज नॉट अबाउट वेट लॉस और फैट लॉस इज अबाउट हेल्दी ओवरऑल एक मैं, करना आ, Eka, तो मैं भी एक उनका वीडियो देख रहा था तो मोर देन डाइट वो एक्चुअली नीचे बैठ के खाना खाते हैं अभी एक से से है और वो बार बार उठते हैं सो यू नो इनफैक्ट आप देखोगे आप देखे देखे हाँ। तो ये आपको बताना चाहिए था कि नीचे बैठ के खाती है आप जो रोजमर्रा करती है फंक्शनल mm -hmm. वो बहुत जरूरी है आप जितना ऊपर नीचे करते हो तो दैट्स वाई वो एक ब्लू जोन है कि यू नो दिन मोर देन हंड्रेड इयर्स तो उनका एक ट्रेट यह है कि वो दिन में पचास बार उठते हैं, वो बैठते हैं, उठते बैठते हैं। है, बहुत मोबाइल बहुत, है हाँ, बहुत बहुत। अभी आज का बैड्स वेरी वेरी बैड बिंजिंग प्लीज डोंट द शो हमारा एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं कीप गोइंग सेगमेंट कीप गोइंग का सेगमेंट मतलब हम सबका जिंदगी में मंत्र है कि ये मेरा मंत्र है आपसे शुरू करते हैं अर्चना जी आप बहुत कुछ कर रही हैं एक साथ लेकिन आपको कभी मैंने ऐसे बैठे हुए नहीं थे आपका मंत्रा मंत्रा क्या है जिंदगी में गोइंग गोइंग कीप्स यू मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना एक ही बार जिंदगी मिलती है उसमें उसको खुश रहना चाहिए एंड एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं जैसे मानती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान दुखी हो रहा है तो आपके लिए लक्ष्मी भी आपके पास नहीं आती ना विष्णु भगवान आते हैं तो आपके घर में ना वो पॉजिटिविटी नहीं रहती बरकत नहीं होती बरकत नहीं होती है पैसा नहीं रुकता है ना पैसा आता है क्योंकि आप ना मतलब लाइक वो कर रहे हो मतलब उसको ना मतलब लाइक मुंह चढ़ा के टेंशन लेके हर चीज में सो यार ये मेरे साथ क्यों होता है यार ये मेरे साथ ही क्यों आए नहीं अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही है ना मतलब आ, तो आप ये सोचो जैसे मेरे से मैं मेरे से अभी ये छूटा था झलक दिखला जाए मैंने खुद छोड़ा था बिकॉज ऑफ किसी वजह से मेरे कोई डेट प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी था बट फिर बस जब छूट गया लास्ट में मुझे पता चला तब मुझे हुआ अच्छा ये छूटा क्यों और मैं सैड हो रही थी फिर नहीं no, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ अच्छा ये इस वजह से छूटा मतलब जो चीज़ छूटती है बहुत अच्छे के लिए छूटती है तो मुझे फिर बाद में हुआ कि अच्छा ये इस वजह तो मैं क्या ना पॉजिटिव रहती हूँ अगर कुछ छूट भी गया ना तो अच्छा भगवान ने मेरे लिए इस वजह से छोड़ा होगा तो इसलिए मेरा मस्त रहती लक्ष्मी भी आए विष्णु भगवान तो आए। आए। <laughs> मैं आपके इस बात से <laughs> सहमत ज़िंदगी में मेरा यही कि कि नो, नो फेलियर इज परमानेंट इज ऑल ट्रांसियंट आज है कल नहीं होगा कल है परसों नहीं होगा नो वन इज यू नो ओशो ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी उनके उन्हें किसी ने पूछा था ऐसे किसी डिस्कोर्स uh, में पूछा था कि व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ इसे जिंदगी कोई पर्पस नहीं होता जिंदगी है ये ही पर्पस है कि मशीन hmm. को चलते रहना पड़ेगा ये क्रिएट करना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा एक इंसान का सोल पर्पस इन लाइफ इज टू बी है, जुलते है से. <laughs> <laughs> आपका क्या है तो मैं वन हेल्थ को देता हूं और उसके पीछे आप जितने जीरोज़ ऐड करो जीरो इज योर वेल्थ आप बहुत प्रॉपर्टी बना लो आपकी फैमिली बना लो फेम बना लो लेकिन अगर वो वन जो है अगर वो सॉलिड वो सॉलिड नहीं है आई मीन यू कैन हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड यू कैन हैव ऑल द फेम इन द वर्ल्ड बट अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आई डोंट मतलब यू you नो know, एक, एक मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि यू नो इफ़ यू आर ब्लाइंड और इफ़ आई गिव यू हंड्रेड करोड्स What would you want? High is always so certainly I think health is the real wealth and we live by that mantra every day and I also try to live that mantra. Certainly, sabke aspirations हैं सबके uh, you know uh, I mean everybody wants to be uh, you know at a certain uh, place but I think you have to keep वो तो ज़रूर जाए तो चलती रहती हैं बट आपको health ka uh, you know balance maintain करना ही पड़ेगा जी अन्यथा you know you can actually आप दोनों के बीच में आप दोनों ने exactly वो कहा जो हम चाहते हैं कि हमारे audiences कहे